हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू RMS क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8th बाइनोमियल थ्योरम। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज बाइनोमियल। व्हाट इज बाइनोमियल? एन एल्जेब्रिक expansion of two numbers connected by operation plus or minus. Is called binomial. क्या होती है binomial? दो numbers के बीच में algebraic expansion होती है, expression होती है, जिसमें आपके पास plus और minus operation apply करें। For example, हम two number उठा लेते हैं, a plus b, this is binomial, ठीक है? 2 minus 3x, this is also binomial. 1 by x minus 2 by x square, तो ये एग्जाम्पल आपके पास है बायनॉमियल के, ठीक है? क्या बताया हमने? दो नंबर्स के बीच में अगर ऑपरेशन अप्लाई कर दें प्लस या माइनस, उस एक्सपेंशन को हम बोलते हैं बायनॉमियल, ठीक है? बायनॉमियल थ्योरम क्या होती है? इफ a प्लस बी रेज टू पावर n, अगर हम एक एक्सपेंशन लेते हैं a प्लस बी रेज टू पावर n, वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी हमारे रियल नंबर होने चाहिए और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है? इसको बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। इज नोन एज बायनोमियल थ्योरम। ओके, आज हम इसी को करेंगे, a प्लस बी रेज टू पावर n, कैसे हम इसके एक्सपेंशन ओपन करते हैं, ठीक है? ये एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे, एक्सप्रेशन। चलिए, अभी तक आपने पढ़ा होगा a प्लस बी रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इज, जैसे कि अगर हम 2 रेज टू पावर 0 लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर 0 लेते हो वो हमारे पास 1 आता है, बट जो नंबर बेस है आपके पास वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकंड, a प्लस बी रेज टू पावर अगर मैं 1 ले लेती हूँ, a प्लस बी की पावर 1 इज a प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम a प्लस बी क्यूब करते हैं, दिस इज इक्वल टू a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी भी आपने पढ़ रखी है, ठीक है? तो यहाँ पे हम बायनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे, तो यहाँ से देखो a प्लस बी की पावर हमने 0 किया, देन 1 आया पावर, यहाँ हम पावर को बोलेंगे इंडेक्स, इंडेक्स जो हम इस एक्सप्रेशन की पावर लेके चलेंगे, व्हिच इज इंडेक्स। अगर इंडेक्स 1 है तो हमारे पास दो टर्म आ रही है, अगर इंडेक्स 2 है 1 2 3, थ्री टर्म आ रही है। अगर इंडेक्स 3 है तो टर्म कितनी आई? 1 2 3 4। इसका क्या मतलब हुआ? अगर किसी भी एक्सप्रेशन पे दो नंबर्स के एडिशन या माइनस पे आप इंडेक्स लेके चलते हो, जितना भी लेके चलते हो, उससे एक टर्म ज़्यादा आएगी। अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए लेके चलते हैं a प्लस बी रेज टू पावर n, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म आएंगी? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? n प्लस 1, तो इसमें आ जाएंगे नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1।
तीन है तो चार टर्म आ रही हैं, दो इंडेक्स है तो तीन टर्म आ रही हैं, ठीक है। अगर हम a प्लस बी रेज टू पावर फोर करें, दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा? अब यही आपको पढ़ना है। देखो कैसे करते हैं, हम निकालते हैं पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं बताते हैं। a रेज टू पावर फोर प्लस इसको, इसके मल्टीपल कोफिशेंट और इसके कोफिशेंट, इनको आप कर दीजिए ऐड। फोर a जितनी पावर, अब बाकी पहले क्यूब में देखें, a की पावर क्यूब, फर्स्ट फैक्टर a क्यूब, फर्स्ट टर्म इज a क्यूब, सेकंड टर्म a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, यहाँ पे दोनों जब आपके पास a स्क्वायर और b, इनकी अगर मैं पावर को ऐड करूँगी तो 2 + 1 = 3। थर्ड टर्म में a रेज टू पावर 1, b रेज टू पावर 2 ऐड करेंगे तो 3 आ रही है और b रेज टू पावर 3, यानी हर एक टर्म में जो है पावर सबकी इंडेक्स सेम होता है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो a क्यूब b प्लस, हमने इसको ऐड किया था, अब हम इनको ऐड करेंगे, 3 × 3 = 6, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 = 4, a b क्यूब प्लस b रेज टू पावर 4। हर एक टर्म में देखिए a रेज टू पावर 4, 2 + 1 = 4, 2 + 2 = 4, 1 + 3 = 4 एंड b रेज टू पावर 4। हर एक टर्म की जो इंडेक्स है वो आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो देखिए पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं इंडेक्स, मीन्स पावर ले रहे हैं a प्लस बी या a प्लस, जिसकी इसकी पावर चलती जाएंगी, तो यहाँ पे हम इसकी पावर लेके चल रहे हैं। और कोफिशेंट, कोफिशेंट क्या होते हैं, a का मल्टीपल इज अ 1, b का मल्टीपल इज अ 1, दिस इज द कोफिशेंट। यहाँ पे a b का कोफिशेंट इज अ 2, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कोफिशेंट इधर ले लेते हैं, क्या क्या कोफिशेंट आएंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर किया तो कोफिशेंट हमारा 1, 2, 1 आएगा, ठीक है। इस तरह से चलते चलते आप कितनी भी पावर का निकाल सकते हो। इंडेक्स अगर ज़ीरो है, अगर इंडेक्स पावर ज़ीरो है तो हमारे पास कोफिशेंट आया 1, अगर इंडेक्स 1 है यानी a प्लस बी की पावर 1 है तो कोफिशेंट आया 1 और 1। चलिए a प्लस बी की पावर 2 तो कोफिशेंट 1, 2, 1, 1, 2, 1। ये बनाने कैसे हैं, हमने इंडेक्स 2 लिया, यहाँ पे अगर 3 इंडेक्स लेते हैं, पहला और लास्ट का नंबर, पहला और लास्ट कोफिशेंट 1, 1 लेना है, इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 1 + 2 = 3 एंड 2 + 1 = 3। अब देखिए इसके क्यूब के यही हैं, a प्लस बी के क्यूब 1, 3, 3, 1, ठीक है। तो इस तरह से ट्रायंगल बनती जाएगी। अगर हम इंडेक्स 4 लेते हैं, पहला और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट इज अ 1, 1, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, सेकंड कोफिशेंट आ गया 3 + 1 = 4, थर्ड कोफिशेंट 3, 3, 3 और 3, 6 एंड दिस इज 4, फर्स्ट एंड लास्ट इज अ 1। अगर 5 पावर लेते हैं, अब 4 का चेक कर लीजिए, 1, 4, 6, 4, 1, सबके सेम आ रहे हैं। अगर हम पावर लेते हैं 5, दैट मीन्स a प्लस बी रेज टू पावर 5, तो इसके कोफिशेंट कैसे निकालेंगे टर्म्स के, 1, 4 और 1 को ऐड करेंगे 5, 6 और 4 = 10, 6 और 4 = 10, 4 और 1 = 5 और लास्ट का हमें 1 लेना है। फर्स्ट एंड लास्ट इज अ 1 और जो आपके पास बीच के जो नंबर आ जाएंगे उन पहलों को इनको ऐड करते जाइए, ये और ये ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम ये और ये ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम ये ऐड हो जाएगा। अगर हम लेते हैं 6 इंडेक्स, मीन्स a प्लस बी रेज टू पावर 6 ले लेते हैं, फर्स्ट इज अ 1, सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे 6, थर्ड इज अ 5 एंड 15, दिस इज 20, 15, 6 और लास्ट का 1 लेना है, ठीक है।
ऐसे करते करते आप कितनी भी पावर का निकाल सकते हैं। अगर हम इंडेक्स 7 लेते हैं, दैट मीन्स ए प्लस बी रेज टू पावर 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट 1 लेना है हमें, सेकंड आ जाएगा 6 प्लस 1 इज 7, 15 प्लस 6 21, दिस इज 35, 21, 7 एंड लास्ट का फिर से 1, ठीक है। तो इस तरह करते करते आप कितनी भी पावर्स का लीजिए, अगर कोफिशेंट आ जाएंगे हर एक एक्सप्रेशन के, ठीक है। अब इनको आपने फॉर्मूला किया था कॉम्बिनेशन में, एन सी आर किसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ अगर हम निकालते हैं एन सी ज़ीरो, एन सी ज़ीरो फाइंड आउट करते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस ज़ीरो इंटू ज़ीरो फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल एन माइनस ज़ीरो इज एन और ज़ीरो फैक्टोरियल क्या होता है, 1, कैंसिल 1 आ गया, दैट मीन्स एन सी ज़ीरो की वैल्यू आ गई 1। अगर मैं एन सी एन निकालती हूँ, एन सी एन एन फैक्टोरियल एन माइनस एन, इसमें से माइनस करेंगे इंटू एन फैक्टोरियल, कैंसिल एन माइनस एन जीरो फैक्टोरियल, दिस इज ऑल्सो 1, देन क्या रिजल्ट आया, एन सी ज़ीरो इज इक्वल टू एन सी एन, एन सी एन भी 1 आ रहा है, एन सी ज़ीरो भी 1 आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू होगी सेम विच इज़ अ 1, ठीक है। एन सी वन, एन सी वन की क्या वैल्यू होती है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज़ अ 1, एन फैक्टोरियल इसको ओपन कर देंगे एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल तक, डिवाइड बाय एन माइनस 1 फैक्टोरियल, कैंसिल हमारे पास आ गया एन। तो एन सी वन अगर हम लेते हैं तो वैल्यू आ रही है एन। तो इस तरह से हम इन जो हमारे पास कोफिशिएंट आए हैं न्यूमेरिकली, इनको हम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। देन ये जो ट्रायंगल आपको दिख रही है, यहाँ से ट्रायंगल शेप में आ गया आपके पास, इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल, पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बायनोमियल का कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। चलिए अभी हमने जो कॉम्बिनेशन पढ़ा है यहाँ पे, एन सी आर एन सी जीरो टू सो जो वैल्यूज निकाली है, जीरो को आप क्या लिख सकते हो, अगर हम इंडेक्स जीरो लेते हैं, दैट मीन्स ए प्लस बी रेज टू पावर जीरो लेते हैं, तो कोफिशिएंट 1 आ रहा है, इसको मैंने लिख दिया जीरो सी ज़ीरो, जीरो सी ज़ीरो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, जीरो फैक्टोरियल डिवाइड बाय जीरो माइनस ज़ीरो इंटू जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, जीरो माइनस ज़ीरो इज ऑल्सो 1 इंटू 1, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि जीरो फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, 1 मीन्स अगर मैं इंडेक्स 1 लेती हूँ ए प्लस बी रेज टू पावर 1, तो हमारे पास बन रहे कोफिशिएंट 1 एंड 1, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, हमने जो इंडेक्स लिया है यहाँ पे 1 सी 0 एंड 1 सी 1, इस 1 को मैं लिख दिया 1 सी 0, यहाँ पे लिख दिया 1 सी 1, ध्यान से देखना 1 सी 0 की वैल्यू 1, सॉल्व करके देख सकते हो 1 सी 0 इज अ 1 फैक्टोरियल, 1 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, 1 आ जाएगा, ठीक है, और 1 सी 1 इज ऑल्सो 1। नेक्स्ट अगर मैं 2 लेती हूँ इंडेक्स ए प्लस बी रेज टू पावर 2, तो हमारे पास कोफिशिएंट आ रहे हैं 1, 2, 1, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 लिया है हमने इंडेक्स 2 सी 0, इसको मैं लिखूँगी 2C1 और इसको लिख दिया 2C2। अभी हमने पढ़ा था एन सी ज़ीरो इक्वल टू एन सी एन होता है, ठीक है, तो 2C0 और 2C2 इक्वल वैल्यू देगा विच इज 1, 2C1 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। सेम टू सेम अगर हम 3 इंडेक्स लेते हैं तो इसके कोफिशिएंट बन जाएंगे, इन कोफिशिएंट को हम कॉम्बिनेशन की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ओके। अगर हम क्यूब लेते हैं तो हमारे पास एक कोफिशिएंट, तो यहाँ पे हमने इंडेक्स लिया 3 लेंगे तो 3C0, 0 से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट को लिख दिया हमने 3C1, दिस इज 3C2 और इसको ले लिया हमने 3C3, इनकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, 3C0 1 होता है,
थ्री सी वन थ्री, थ्री सी टू इज ऑल्सो थ्री एंड इसकी वैल्यू वन होती है। अगर फोर पावर लेते हैं ए प्लस बी रेज टू पावर फोर, यानी फोर इंडेक्स लिया हमने, तो इसका कोफिशियंट आ जाएगा वन को लिखेंगे फोर सी ज़ीरो, नेक्स्ट कोफिशियंट को लिखेंगे फोर सी वन, इससे नेक्स्ट फोर सी टू, दिस इज फोर सी थ्री और लास्ट में आ जाएगा फोर सी फोर। हर एक जो कोफिशियंट है फोर सी जीरो, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा और उसी इंडेक्स पे आ जाएगा। फाइव अगर हम लेते हैं तो फाइव के लिए क्या नोट करेंगे, फाइव सी ज़ीरो, दिस इज़ फाइव सी वन, फाइव सी टू, फाइव सी थ्री एंड फाइव सी फोर और वन को ले लेंगे फाइव सी फाइव। इस तरह से हम इसके कॉम्बिनेशन में चेंज कर लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है, एन सी आर हमने पढ़ा था ये इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के, ठीक है। जैसे हम इसमें देख रहे हैं यहाँ पे 5c2, अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ 5c2 इज इक्वल टू 5c5 माइनस टू, किसके इक्वल हुआ 5c3 के इक्वल, तो 5c2 की वैल्यू इक्वल आएगी 5c3 के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ रही है 5c2 की वैल्यू 10, 5c3 की वैल्यू भी 10 आ रही है। तो इस तरह से हम इन कोफिशिएंट्स को कॉम्बिनेशन में चेंज कर लेते हैं। हमने आइडेंटिटी की थी a प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपको सिंपल याद होती है, हम इसको बायनोमियल से भी निकाल सकते हैं, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका कोफिशियंट 1, इस टर्म का कोफिशियंट 2 और इस टर्म का 1। अभी हमने पास्कल ट्रायंगल से देखा है, तो अगर मैं a प्लस बी रेज टू पावर 10 अगर हम ये बनाएंगे तो कैसे निकालेंगे। एक चीज़ ध्यान देना है, जो आपके पास फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे इंडेक्स 2 है तो फर्स्ट टर्म का इंडेक्स भी 2 है, नेक्स्ट यहाँ पे 1, इसका 1, यानी कि एक एक कम होते जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो पहले हम कोफिशियंट की बात करते हैं, पहला कोफिशियंट 10c0 प्लस नेक्स्ट कोफिशियंट 10c1 प्लस 10c2 10c3 10c4 प्लस 10c5 10c6 7 8 10c9 और लास्ट है 10c10। ये हमने कोफिशिएंट निकाल लिए a प्लस b रेज टू पावर n के, ठीक है। अब इसकी टर्म बताते हैं कैसे लेके चलते हैं। जो आपके पास कोफिशिएंट, जितना भी इंडेक्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स उसमें एक ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पे 10 पावर है तो आपको इसकी जो टर्म मिलेंगी वो 11 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। अगर a प्लस बी, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, a प्लस बी रेज टू पावर n, कोफिशिएंट तो समझ गए होंगे कैसे उठाने हैं, एन सी ज़ीरो, अगर इंडेक्स n है तो कोफिशिएंट एन सी ज़ीरो, पहली पावर जैसे हमने स्क्वायर ओपन किया तो a का हमने स्क्वायर लिया, यहाँ पे n पावर है तो a रेज टू पावर n, ठीक है। अभी हमने कहा था कि हर एक टर्म का जो इंडेक्स होगा वो सेम होगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ b रेज टू पावर 0 तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि b रेज टू पावर इज़ अ 1, इसलिए हम यहाँ पे लिखते नहीं है इसको, क्योंकि b की पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0, a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0। 0 क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों के पावर को अगर मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास n ही आना चाहिए, ठीक है। n प्लस 0 इज n, हर एक टर्म की देखिए नेक्स्ट टर्म क्या लेके चलेंगे, नेक्स्ट कोफिशियंट होता है एन सी वन, एन सी जीरो के बाद एन सी वन, ए रेज टू पावर यहाँ पे हम एक कम कर देंगे एन माइनस वन, इसमें से एक घटा दिया और बी जीरो प्लस वन इज वन, दोनों को ऐड करो पावर को, एन माइनस वन प्लस वन, वन से वन कैंसिल एन बच जाएगा। तो हर एक टर्म में हम कह रहे हैं कि जो इंडेक्स होगा वो वही इंडेक्स होगा जो ए प्लस बी रेज टू पावर आपको गिवन होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज एन सी टू, यहाँ पे हम फिर से एक पावर कम कर देंगे a रेज टू पावर n माइनस टू और इसकी एक बढ़ा देंगे b स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट कोफिशियंट एन सी थ्री, अब यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान देनी है, जो n यहाँ पे अगर मैं एन सी टू ले रही हूँ तो a की पावर इन दोनों को माइनस करेंगे वो आनी चाहिए, b की पावर जो आपके इंडेक्स यहाँ पे है
टू तो बी की पावर टू। अगर मैं एन सी थ्री ले रही हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ए की पावर एन में से थ्री माइनस करो एन माइनस थ्री, और बी की पावर जो आपके पास इंडेक्स में गिवन होगा दिस इज थ्री, ठीक है, प्लस एन सी फोर ए रेज टू पावर एन में से फोर माइनस करेंगे एन माइनस फोर, और बी रेज टू पावर फोर। ऐसे देखो यहाँ पे b की स्क्वायर था, फिर क्यूब हो गया, फिर 4 हो गया, b की पावर बढ़ाते जाएंगे और a की पावर कम करते जाएंगे। अब टू सोन लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, लास्ट सेकेंड टर्म अगर हम देखें एन सी, लास्ट टर्म कहाँ पे जाके कोफिशेंट रुकता है हमारा, जैसे 10c 10 पे आपके पास लास्ट में गया, तो एन सी एन ए रेज टू पावर क्या लिया था हमने, इसमें से ए माइनस, जैसे एन में से वन माइनस किया इसकी पावर आ गया था, एन में से टू माइनस करेंगे ए की पावर एन माइनस टू था, यहाँ पे एन माइनस एन हो जाएगा, और बी रेज टू पावर जो आपके पास यहाँ पे है इंडेक्स में बी रेज टू पावर एन, ए रेज टू पावर एन माइनस एन विच इज जीरो, और ए रेज टू पावर जीरो इज वन, ठीक है। तो ये टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, फर्स्ट एन सी जीरो ए रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर जीरो वन हो जाएगा, ओके, एन सी वन ए रेज टू पावर एन माइनस वन बी रेज टू पावर वन, प्लस अब टू सोन चलते जाएंगे एन सी एन ए रेज टू पावर जीरो वन हो जाएगा बी रेज टू पावर एन हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा बाइनोमियल थ्योरम, इस तरह से ओपन करना है। अगर हम इसी को अप्लाई करते हैं ए प्लस बी रेज टू पावर टेन पे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर इज ए, ए रेज टू पावर टेन जैसे हमने किया था, ए रेज टू पावर एन और बी रेज टू पावर जीरो विच इज़ वन, नेक्स्ट क्या आ जाएगा टेन सी वन ए रेज टू पावर, नेक्स्ट में हमने एक माइनस कर दिया था तो टेन में से एक माइनस कर दो नाइन, और बी की पावर हो जाएगी वन, नेक्स्ट आ जाएगा ए रेज टू पावर नाइन में से एक कम करेंगे एट, और बी स्क्वायर, ये टेन में से थ्री माइनस कर दीजिए सेवन, और बी की पावर थ्री, नेक्स्ट का वो अब टर्म आएगी ए रेज टू पावर टेन में से फोर माइनस करेंगे सिक्स बी रेज टू पावर फोर। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टेन सी फाइव ए रेज टू पावर माइनस करेंगे फाइव और बी रेज टू पावर फाइव, टेन सी सिक्स नेक्स्ट कोफिशिएंट ए रेज टू पावर हो जाएगा माइनस करेंगे फोर बी रेज टू पावर सिक्स, ए रेज टू पावर थ्री बी रेज टू पावर सेवन, एंड ए रेज टू पावर टेन माइनस एट इज अ टू बी रेज टू पावर एट, ए रेज टू पावर वन बी रेज टू पावर नाइन, और लास्ट में आ जाएगा ए रेज टू पावर जीरो बी रेज टू पावर टेन। ये बन जाएगा ए प्लस बी रेज टू पावर टेन की बायनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए a प्लस बी की जगह पे अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है, a प्लस बी जो ले रखा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे आ जाए a माइनस बी रेज टू पावर n, तो इस आपको इसको कैसे लेना है, a प्लस माइनस बी रेज टू पावर और n, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, बस b की के प्लेस पे हम माइनस बी अप्लाई कर देंगे यहाँ से। जैसे इसको ओपन करेंगे तो एन सी जीरो ए रेज टू पावर n, जो बाइनोमियल की इंडेक्स होता है वही ए का इंडेक्स यानी फर्स्ट टर्म का इंडेक्स होता है। जो बाइनोमियल का इंडेक्स यहाँ पे एन है, एन पावर है, तो फर्स्ट टर्म की भी पावर एन ही रहेगी, ठीक है। प्लस नेक्स्ट इज एन सी ज़ीरो ए रेज टू पावर एन माइनस सॉरी एन सी वन एन माइनस वन, और बी रेज टू पावर यहाँ पे हमारे पास माइनस बी है तो माइनस बी की पावर वन, प्लस एन सी टू ए रेज टू पावर एन माइनस टू माइनस बी का स्क्वायर, प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म हमारे पास क्या थे एन सी एन ए रेज टू पावर जीरो और माइनस बी रेज टू पावर एन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस बी रेज टू पावर वन इज ए माइनस बी, तो ये माइनस आपका यहाँ से सॉल्व होके यहाँ पे आ जाएगा माइनस, माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस इज अ प्लस, प्लस बी स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म माइनस की हो जाएगी। तो अगर हम निकालते हैं ए माइनस बी रेज टू पावर एन, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे जब हम ए माइनस बी की एक्सपेंशन निकालते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं ए को वन बी को एक्स, इस एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो क्या बनेगा, वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन, ए को हमने वन लिया बी को पुट किया है एक्स, तो वन प्लस एक्स की पावर एन, ओपन करेंगे क्या आएगा एन सी ज़ीरो, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू यहाँ पे वन है,
तो 1^n प्लस एन सी वन 1^n-1 इंटू बी की वैल्यू x है एक्स की पावर 1 प्लस एन सी टू 1^n-2 एक्स की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब टू सॉन अगर हम आर एस टर्म लेते हैं एन सी आर तो 1^n-r दोनों को माइनस कर देते हैं और x की पावर आ जाएगी, हाँ जो इसके फिक्स में होता है वो x की पावर होता है। प्लस अप टू सॉन लास्ट टर्म क्या बनेगी एन सी एन 1^0 x^n, ठीक है। फर्स्ट ए की प्लेस पे हमने 1 और बी की प्लेस पे x पुट किया है, ओके। अगर इससे पहले वाली टर्म निकालनी हो देन इससे पहले वाली टर्म आएगी एन सी एन माइनस 1, इससे कम हो जाएगी 1^ माइनस करोगे यहाँ से n में से n माइनस 1 माइनस करोगे तो n माइनस 1 विच इज़ n माइनस n प्लस 1, n से n कैंसिल 1 आ जाएगा तो 1 की पावर हो गया 1 और x की पावर क्या लेते हैं हम जो c का फिक्स होता है n माइनस 1, तो इससे पहले वाले टर्म ये आ जाएगी, ठीक है। तो 1 प्लस x^n ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। जो x इस x होते हैं आपके पास बाइनोमियल में एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू अप टू सोन एन सी एन जो हमने कॉफिशेंट लिए हैं इनको बोलते हैं बाइनोमियल कॉफिशेंट्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है एन सी जीरो 1^n इज 1, एन सी वन 1^n-1 1 ही हो जाएगा, x^1 इज एक्स, एन सी टू 1^n-2 1 और x स्क्वायर प्लस अप टू सॉन एन सी आर 1^n-r इज 1, x^r प्लस अप टू सॉन लास्ट टर्म आ जाएगी एन सी एन x^n। तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे 1 प्लस x^n का। इफ़ वी पुट x इक्वल टू वन इन दिस एक्सप्रेशन बाइनोमियल तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1+1^n विच इज 2^n, तो 2^n का फॉर्मूला निकल जाएगा यहाँ से। दिस इज इक्वल टू हमने क्या किया है x को 1 पुट किया है तो एन सी जीरो एज इट इज प्लस एन सी वन x की जगह पे 1 पुट किया तो ये 1 हो जाएगा यहाँ से प्लस एन सी टू 1^2 इज अ 1 प्लस अप टू सॉन एन सी आर प्लस अप टू सॉन एन सी एन 1^n इज 1। तो 2^n का फॉर्मूला भी यहाँ से बन जाएगा, इसका भी यूज होगा एक्सरसाइज में, तो ये भी आपको याद कर। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का एक्सपेंड ऑफ दिस बाइनोमियल्स 1-2^5। अभी हमने पढ़ा था अगर a माइनस बी रेज टू पावर n है तो एक टर्म प्लस आती है एक टर्म माइनस की आती है, ठीक है। चलिए n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, पहला कोफिशेंट 5c0 जो फर्स्ट यानी a की वैल्यू यहाँ पे 1 है 1^5 ओके और माइनस सेकेंड कोफिशेंट 5c1 1^ जो यहाँ पे b की पावर आती है वो 0 हो जाएगी इसलिए हम इसको लिखते नहीं है 2x^0 क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो फर्स्ट टर्म इज अ प्लस सेकंड माइनस की हो जाएगी 1^4 5 में से 1 माइनस कर देंगे विच इज 4 और 2x की पावर हो जाएगी जिसके फिक्स में आता है 1 प्लस नेक्स्ट इज 5c2 1^3 इसको माइनस कर देंगे यहाँ से एंड 2x की पावर 2। जब भी आप ओपन करते हो तो यहाँ पे इनकी पावर हर एक टर्म की पावर को ऐड कर लीजिए कितनी 4+1 इज अ 5 5 होना चाहिए हमारा इंडेक्स 5 है यहाँ पे 3+2 इज अ 5 नेक्स्ट आ जाएगा 5c3 1^4 2 यहाँ पे 3 नेक्स्ट आ जाएगा 5c4 1^1 5 में से 4 माइनस करेंगे और 2x^4 लास्ट टर्म इज 5c5 1^0 2x^5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 5c0 कितना होता है
हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एम सी जीरो वन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, वन इज टू पावर इज ऑल्सो वन, और टू एक्स इज टू पावर जीरो इज ऑल्सो वन। किसी की भी पावर जीरो होती है वन होता है। फर्स्ट टर्म इज वन माइनस फाइव सी वन, फाइव सी वन की वैल्यू कितनी होती है फाइव, फाइव सी वन इज अ फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाई फाइव माइनस वन फोर फैक्टोरियल इंटू वन। फाइव को ओपन करेंगे फाइव माइनस फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, वन फैक्टोरियल वन होता है, ये फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास फाइव, वन रेज टू पावर फोर इज वन इंटू टू एक्स प्लस फाइव सी टू को सॉल्व कीजिए। फाइव सी टू फाइव फैक्टोरियल माइनस करेंगे थ्री इंटू टू, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री, दिस इज थ्री इंटू टू फैक्टोरियल, थ्री से थ्री कैंसिल, टू से टू दिस इज टेन, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी टेन। ओके, वन इज टू पावर थ्री इज वन, और इसको ओपन करेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव सी थ्री और फाइव सी टू इक्वल होते हैं, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था एम सी आर इक्वल टू एम सी आर माइनस एन माइनस आर का। ठीक है, फाइव सी टू इक्वल टू फाइव सी थ्री के, तो इसकी इसका आंसर भी टेन आ जाएगा। यहाँ से टू का क्यूब इज एट एक्स क्यूब, फाइव सी फोर इक्वल टू होता है फाइव सी वन के, देखो यहाँ से फाइव सी फोर इक्वल आएगा फाइव सी फाइव माइनस फोर फाइव सी वन के, और फाइव सी वन की वैल्यू हमने क्या निकाली है फाइव निकाली है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा फाइव टू रे टू एक्स की पावर फोर, टू रेज टू पावर फोर इज सिक्सटीन एक्स रेज टू पावर फोर। फाइव सी फाइव कितना होता है वन, हमने पढ़ा था एम सी जीरो और एम सी एन दोनों वन होते हैं, तो फाइव सी फाइव वन होता है, दिस इज वन इंटू टू एक्स, टू की पावर फाइव इज एक्स की पावर फाइव, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए फाइव टू टेन फोर्टी एटी, एंड आगे इनकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। सेम टू सेम आपको नेक्स्ट सॉल्व करनी है, ओपन करेंगे फाइव सी ज़ीरो, एट की वैल्यू यहाँ पे टू बाई एक्स है, टू बाई एक्स रेज टू पावर फाइव, जितनी यहाँ पे टर्म होती है इसकी पावर ज़ीरो आएगी वो हम नहीं लेके चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने प्लस माइनस की गड़बड़ कर दी है भाई, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, फिफ्थ पॉजिटिव और सिक्स्थ नेगेटिव, तो यहाँ पे क्योंकि माइनस की टर्म थी तो ये आ जाएगा यहाँ से नेगेटिव, ये वाली पॉजिटिव और लास्ट नेगेटिव। ठीक कर लेना इसको, फाइव सी ज़ीरो ये आ जाएगा प्लस, नेक्स्ट कोफिशेंट आएगा फिर से माइनस क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है। ओके, ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फाइव सी वन विच इज टू बाई एक्स की पावर फोर, और बी की वैल्यू कितनी है एक्स बाय टू इंटू एक्स बाय टू की पावर वन। अब आगे इसकी पावर कम करते जाइए, इसके एक एक बढ़ाते जाइए। नेक्स्ट पॉजिटिव फाइव सी टू, टू बाई एक्स रेज टू पावर थ्री, और एक्स बाय टू की पावर हो जाएगा टू प्लस फाइव सी थ्री, टू बाई एक्स रेज टू पावर टू, एक्स बाय टू रेज टू पावर थ्री। फाइव सी फोर, टू बाई एक्स रेज टू पावर वन, और एक्स बाय टू रेज टू पावर फोर, और लास्ट टर्म आ जाएगी फाइव सी फाइव। अच्छा, फिर से प्लस माइनस छोड़ दिया हमने, ये माइनस ये प्लस एंड दिस इज माइनस, टू बाई एक्स रेज टू पावर ज़ीरो विच इज़ वन, एक्स बाय टू रेज टू पावर फाइव। इसको सॉल्व कर लेंगे, फाइव से ज़ीरो हमने कोफिशेंट पहले बता दिए, सॉल्व कैसे करना है, दिस इज़ अलग अलग टू की पावर फाइव एक्स की पावर फाइव, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर फोर बनेगी, यहाँ पे एक्स की पावर वन कैंसिल होगा, एक्स की पावर क्यूब बच जाएगा। ठीक है, एक पावर टू की कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट इज ए माइनस बी रेज टू पावर सिक्स, सेम टू सेम वैसे ही चलना है, सिक्स से ज़ीरो, फर्स्ट कोफिशेंट टू एक्स रेज टू पावर सिक्स, और बी ज़ीरो जाएगा। नेक्स्ट टर्म मतलब बी की पावर ज़ीरो इज वन, लिख भी सकते हो थ्री रेज टू पावर ज़ीरो। नेक्स्ट कोफिशेंट सिक्स सी वन, टू एक्स रेज टू पावर फाइव, एक एक कम करते जाएंगे, थ्री की पावर बढ़ाते जाएंगे, प्लस सिक्स सी टू, टू एक्स रेज टू पावर फोर,
यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 raised to power 2 प्लस 6c3 2x raised to power 3 3 cube। ये माइनस का हमारे पास नेगेटिव ही एक्सपेंशन है। 6c4 2x raised to power 2 3 raised to power 4 प्लस नेक्स्ट नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेक्स्ट आएगी नेगेटिव 6c5 ठीक है। 2x raised to power दोनों को माइनस करेंगे 1 और 3 raised to power 5। नेक्स्ट प्लस की 6c6 2x raised to power 0 एंड 3 raised to power 6। अब इसको ओपन कर लेंगे। 6c0 कितना होता है 1, 2 raised to power 6 x raised to power 6 3 raised to power 0 इज 1 ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 raised to power 6 कितना होता है 64 और x raised to power 6 6c1 6। ये डायरेक्ट याद रखा करो, nc0 1 nc1 इज n ठीक है। तो 6c1 हो जाएगा 6, 2 raised to power into x दिस इज 32 x raised to power 5 और मल्टीप्लाई में 3 भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18। इसको सॉल्व करेंगे, 6c2 किसके इक्वल आएगा 6 factorial divided by 4 into 2 factorial। 4 इसको सॉल्व करेंगे 6 into 5 into 4 4 से 4 cancel 3 विच इज़ 15 ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये सॉल्व कर रहे थे 15, 2 raised to power 4 इज़ 16 x raised to power 4 और 3 is 9। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस माइनस 6c3 किसके इक्वल होगा निकालना पड़ेगा, ये भी 6 factorial divided by 3 into 3 6, 5 into 4 into 3 3 से 3 cancel 6 is 6 ये आ गया 20। तो ये आ जाएगा 20 2 raised to power 3 इज 8 x cube और 3 raised to power 3 इज 27। मल्टीप्लाई कर लेंगे सबके, 6c4 किसके इक्वल होगा भाई 6c2 के इक्वल, 6c4 equal to 6c2 6c6 minus 4 ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ से 15, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 4x square और 3 raised to power 4 इज 81। नेक्स्ट नेगेटिव 6c5 इक्वल होगा 6c1 के विच इज दिस 6 into 2x इज 12x इंटू 3 raised to power 5। इसकी मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेंगे इसको और लास्ट में 6 होता है 1, 2 raised to power x इज ऑल्सो 1 रह जाएगा 3 raised to power 6। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। जो आपके पास बच गए हैं लास्ट टू, सेम टू सेम आपको ओपन करनी है। यहाँ पे प्लस है तो ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो गया आपका, जो बाकी के क्वेश्चन बच गए हैं आपके 8.1 एक्सरसाइज के एंड एग्जांपल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।